बिहार जी किसकी सरकार बनवा रहे हैं? कोई पता नहीं लग रहा भैया। एक बार तो आना चाहिए ना, 5 साल में एक बार शुक्राना तो करना चाहिए किसी का जिन्होंने वोट पा के जिताया इनको। नहीं आगे सवाल मत करो। चन्नी 90% काम सिद्धू से पूछ के करता वो। 90% क्या करते हैं? बेरोजगार। अच्छा जी, किसकी सरकार में? हमको पहले भी, हम 4-5 दिन पहले भी गए थे आशीर्वाद होटल में, मीटिंग थी, आदमी तो बहुत था लेकिन सब खाने वाले होते हैं, वोट पड़ने वाले नहीं होते। सिद्धू जी ने 5 साल में क्या किया? सिद्धू जी ने कुछ नहीं किया। तो पंजाब की चुनावी यात्रा को लेकर आप पहुंचे हैं अमृतसर, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर मैंने क्या देखा कि भाई यहाँ पर रोज़गार के लिए दूर से बाहर से लोग बहुत आए हुए हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल की बात करें, यूपी की बात करें, हर जगह के लोग मुझे यहाँ रोज़गार के लिए आए हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ मैं आ पहुँची हूँ कटरा शेर सिंह में, और भाई यहाँ पर मुझे एक जो है ज्ञानी पंजाबी लस्सी दिखी, काफ़ी भीड़ थी तो सोचा कि चलिए शुरुआत यहाँ से भी कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरा कारोबारी एरिया है। आप देख सकते हैं पीछे से ये पूरी मार्केट आ रही है, कटरा जय सिंह मार्केट पड़ी, शास्त्री मार्केट पड़ी, आगे लाहौरी गेट मार्केट है, तो सोचा यहीं पर भी थोड़ी सी पंजाब की जो है चुनावी चर्चा कर ली जाती है। आइए शुरुआत यहीं से ही करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रप्रीत। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? मैं 4th generation। अच्छा, 4th generation, यानी कि मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद ही शुरू हो गई। आज़ादी से पहले की? 1920। आज़ादी से पहले की? 1927। आप लस्सी बेचते हैं? हाँ जी। तो ये जगह के बारे में जरा बताएं। ये रीजन टाक की चौंक है, कटरा शेर सिंह। और ये शुरू से ही ऐसे बसा हुआ है? हाँ जी। तो क्या क्या मिलता है भैया वैसे? लस्सी है, दही है, मिल्क आइटम शॉप है, कोई भी आइटम ले सकते हैं। आप तो अमृतसर के लोकल ही हुए, देख सकते हैं कि भैया आज़ादी से पहले की लस्सी की दुकान पर आप पहुँचे। जरा हमारे लिए भी एक लस्सी का ग्लास लगा दीजिए। और भैया साथ ही साथ जरा बताएं पंजाब में चुनाव किसकी होने वाली है? मैम इंटरेस्ट नहीं है पूरी, वो कोई भी गवर्नमेंट आए काम अच्छा चलना चाहिए, और कुछ नहीं है। क्या लगता है नए को मौका मिलना चाहिए? हाँ जरूर है, बाकी अपनी अपनी किस्मत। सरदार जी सत श्री अकाल, कौन सी जगह है ये कौन सी मार्केट है? ये पिंक प्लाजा मार्केट, हालगेट। अच्छा, तो ये सारी गाड़ियों की मार्केट है? हाँ ये सारी मार्केट। अच्छा, यही कही आप? हाँ यही। अच्छा सरदार जी किसकी सरकार बनवा रहे हैं? कोई पता नहीं लग रहा भैया। कौन पसंद है? ये खिचड़ी बंदी है, खिचड़ी बंदी में किसके बीच में? सब के पार्टियां सारी अपना स्ट्रांग है, पर वहां पास कुछ सब ही नहीं आ रही कहना। आप किसको जिता रहे हैं? देखो जी हमारे को तो वही चाहिए आदमी जो नाचा काम करे पब्लिक का, तो पब्लिक इसको बहती है तभी। तो आपको लगता है पुरानी सरकारों ने काम किया? हाँ किया है उसने, हमारा जो काम था वो उसने किया है। इन्होंने सोनी सरकार ने, सोनी। अच्छा, तो फिर जिताएंगे उन्हें आप? हम तो उनको जिताएंगे, हमारा साथ है। चलो ठीक, जो कहते हैं अच्छी बात है। आप यो कहने ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। सरदार जी सत श्री अकाल, आपकी दुकान है ये? हाँ जी। कितनी पुरानी है? हो गया 45 साल। अच्छा, और आपकी उम्र कितनी है? 60 साल थी। अच्छा, तो यहीं के रहने वाले हैं शुरू से? हाँ जी। अच्छा, तो सरदार जी किसको जिता रहे हैं फिर? आम पार्टी को। अच्छा, आम आदमी पार्टी का। देखिए भैया बोर्ड लगा, क्या पसंद है आम आदमी पार्टी का? देखो जी ईमानदार बंदा चाहिए है, तो बेईमान आ लुट के मेरी दुकान थी चाटीवंड चौंक में, किसी को नौकरी करना इतने अद्धो अद्धे काम थे। अच्छा जी। तो दुकान किसी और दी है, मेरी चाटीवंड दुकान 27 साल काम किया है, उस तो बाद इतने आ गए। वो कहते पैसे दो, मैं कहा पैसे है नहीं मेरे को। अच्छा जी। मेरे से कोई ना कोई केस पा देन। तो लगता है केजरीवाल जी आपका भला कर देंगे? मैं कहना महाराज सब न भला करे, ऐन कहने एक सब का भला करे, लेकिन बंदा मानदा सुच्चा सुच्चा चाहिए बस। चलिए भैया जी बढ़िया बात बोली सरदार जी ने, आइए इधर फिर से चलते हैं। सरदार जी सत श्री अकाल, यही काम करते हैं? हाँ जी। किसको जिता रहे हैं फिर? मैं ना अभी चोन हो जाए ना तो आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। पसंद है आपको? नहीं आगे सवाल मत करो। चलिए आगे चलते हैं जी, और लोगों से पूछते। आप भी यहीं के जी?
हाँ जी यहीं के लोकल। हाँ जी लोकल जी। तो किसको जिता रहे हैं? आपको। आपको जी, जी, जी क्या पसंद है आपका? बस जो उसने केजरीवाल ने वहाँ पे दिल्ली में करवाया वही सारी फैसिलिटी हमें भी चाहिए यहाँ पे। दिल्ली मॉडल लगता है चल जाएगा? बहुत अच्छा। हाँ चलेगा, जरूर चलेगा जी, जरूर चलेगा। बढ़िया जी, आइए और लोगों से बात करते हैं थोड़ा। सरदार जी सत श्री अकाल, यहीं के ये लोकल? हाँ जी लोकल लोकल। क्या करते हैं? बेरोजगार। अच्छा जी, किसकी सरकार में? कांग्रेस की सरकार में बेरोजगार है, अकालियों की सरकार में बेरोजगार है, कोई काम नहीं। ने काम नहीं किया, फिर तो लगता है किसी और को मौका देंगे। बिल्कुल मौका देंगे, आम आदमी पार्टी को देंगे, लगता है वो जिता देंगे। बिल्कुल जिताएंगे, देखो करप्शन कभी तो खत्म होगी। और उनसे कितनी उम्मीद है कि वो आपको रोजगार देंगे? उम्मीद है देखो, दिल्ली में दिया तो यहाँ भी देंगे, दिल्ली में दिया है रोजगार तो यहाँ भी देंगे, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। अच्छा कौन कौन से वादे सबसे बढ़िया लगे आपको उनके? वादे हमको कोई सस्ता कुछ नहीं चाहिए, हमको बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, काम चाहिए हमको, काम होगा तो हम काम करेंगे, बच्चे पालेंगे, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, स्कूल अच्छे होंगे, प्राइवेट पढ़ते हैं, फीसें बहुत है वहाँ पर। यहाँ पे भी आपको वैसे ही स्कूल चाहिए दिल्ली? हाँ बिल्कुल दिल्ली जैसे चाहिए। केजरीवाल जी ने बोला है कि अगर हमारी सरकार बनेगी जो बच्चे कनाडा गए सब लौट लौट के आएंगे, लगता होगा? हाँ बिल्कुल आएंगे, अगर अपने देश में सब कुछ मिलेगा तो क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप यहीं के भैया? हाँ जी हाँ जी। किसको दे रहे हैं? जो हमारी जो जरूरतें पूरी करेगा, जो बुनियादी ढांचा है उसको एकदम तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा ना, तो जो हमारे देश का भविष्य सोचेगा आने वाले टाइम का उसको वोट देना ही देना है। अमृतसर में सिद्धू जी भी खड़े हो रहे हैं, क्या लगता है जीतेंगे? सिद्धू जी ने 5 साल में क्या किया? सिद्धू जी ने कुछ नहीं किया, अगर 5-4.5 साल में कुछ नहीं किया तो 6 महीने में कुछ कर देते, तो कुछ नहीं किया उन्होंने, अभी बातें ही करते हैं वो। सिद्धू जी कहते हैं मैं पंजाब वालों से बहुत प्यार करता हूँ। अरे प्यार करते होते तो जो 4.5 साल में नहीं किया तो 6 महीने में कर देते, फिर पता लगता प्यार करते हैं वो, तो कुछ नहीं किया उन्होंने, बातें करा लो उनसे, बातें होती हैं बस। अच्छा बाबा जी एक सवाल और, सिद्धू जी की बेटी कह रही है कि मैं शादी नहीं करूँगी अगर मेरे पिताजी जीते नहीं तो। ये तो उसकी अपनी खुद की मर्जी है ना, खुद की लाइफ है, क्या सोचती क्या नहीं। तो अमृतसर वाले फिर साथ नहीं देंगे? अमृतसर तो साथ दे रहा है, साथ तो दे रहा है, साथ तो चल रहा है, लेकिन जो उसने वादे किए वो भी पूरे करने चाहिए, वो साथ नहीं दे रहे, वो भी करना चाहिए ना, जब तक वो वादे पूरे नहीं होंगे कोई कैसे वोट डालेगा। काका जी सत श्री अकाल, क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं? नहीं गाड़ी गुड़ी नहीं चलाते, ये तो हम माल उतार रहे हैं। नहीं माल ही लदा रहे, हम नहीं चलाते, थोड़ी तार खराब होगी वो करते हैं। अच्छी अच्छी तार सही कर रहे हैं। बाबा जी सरकार भी खराब है, सरकार भी सही करेंगे? सरकार तो होगी सही, आएंगे सिद्धू साहब तो आएंगे। अच्छा सिद्धू जी आ जाएंगे, लगता है वही सही करेंगे? हाँ वही करेंगे सही। तो जीत जाएंगे पक्का 100%। और सरकार वैसे किसकी बनवा रहे हैं? कांग्रेस की बनेगी सरकार। अच्छा कांग्रेस की बनेगी तो कौन सीएम होना चाहिए, चन्नी जी या फिर सिद्धू जी? दोनों ही ठीक है, दोनों इकट्ठे, दोनों तो नहीं बनेंगे ना, दोनों तो इकट्ठे काम करेंगे ना। दोनों के बीच में तालमेल नहीं है? नहीं तालमेल पूरा है, चन्नी 90% काम सिद्धू से पूछ के करता वो। अच्छा 90% तो सिद्धू जी को ही बनानी चाहिए? बननी तो सिद्धू, चलो सिद्धू नहीं बनता चन्नी तो आएगा आगे, 90% काम तो सिद्धू बोलता ना उसको, ये बोल ये कर। चलिए सही है, आप ठीक है, बहुत बढ़िया बोले। क्या करते हैं आप बाबू जी? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं, तो फिर सरकार किसकी चलवा रही है? सरकार तो आने वाला समय दसेगा, जनता दसेगी किसकी आएगी। बस अब 1-2-3-4 दिन बचे हैं, जनता का फैसला है ना, जो जनता है। आप किसको जिता रहे हैं? हम तो किसी को भी नहीं जिता रहे, हमारे वास्ते तो कोई भी नहीं सही करेगा, ना काली ठीक ना वो ठीक। अच्छा जी कुछ भी नहीं ठीक तो उनको देंगे फिर? हैं हम तो अभी फैसला है किसी को नहीं पाला, बस जाएंगे बटन दबा के आ जाएंगे। बस क्या कह रहे हैं ये भैया, गाड़ी सही कर रहे हैं सरकार सही करेंगे? मेरी वोट ही नहीं बनी। अच्छा अभी वोट ही नहीं बनी, क्यों? कितने उम्र के है? 22। अरे तो बनवाई क्यों नहीं? बनवाई नहीं, वैसे ही मन नहीं किया। अच्छा तो वैसे जब बनवाएंगे तो किसको देंगे? केजरीवाल। अच्छा बदलाव है? बदलाव है। आप यहीं के? आप किसको जिता रहे हैं? जिन्नू को जिता रहा है। केजरीवाल की भी हवा है, वहीं कुछ लोग हैं जो मौका देंगे। यहीं के कहा के आप? यहीं के लोकल। कौन सी विधानसभा में आपका वोट, कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? हमारी ईस्ट। सिद्धू जी? सिद्धू जी तो जिता रहे उन्हें?
नहीं वो नहीं जीत सकते हैं। क्यों जी नाराज है? जाडू जीतेगा जाडू। सिद्धू जी की बेटी ने कहा शादी नहीं करूंगी पापा नहीं जीते तो। क्या करेगी? शादी नहीं करूंगी पापा नहीं जीते तो। नहीं वो नहीं जीत सकता वहाँ। आपको भी यही लगता है? क्यों भैया क्या नाराजगी है उनसे? नहीं है, नहीं है। आपको वहाँ का माहौल बता रहे हैं। जो माहौल चल रहा है वो जाडू ही जीतेगा, उसका जोर है। कल की रैली देखना तुमने देखनी थी। सिद्धू जी तो फिर मुझे लगता है कॉमेडी करने चले जाएंगे दोबारा। देखो वही करेंगे। सिद्धू जी बोलते बहुत हैं। बोलते बहुत हैं। और काम करते हो उतना? काम तो 5 साल आए नहीं हमारे इलाके में, आए नहीं 5 साल। अच्छा जी। हम भी ईस्ट में ही से है ना। जो काउंसलर है वो तो फिर भी अच्छा है। तो अमृतसर के हॉल गेट में पावर हाउस के सामने मौजूद हैं और यहाँ पर कांग्रेस और केजरीवाल के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। हालांकि दिखा दूँ कई दुकानों पर दिखेगा आपको भाई झाड़ू का जो है एक झंडा लहरा रहा है। यहाँ के व्यापारी नाराज हैं थोड़े सिद्धू जी से, वही झंडे लगाकर उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है केजरीवाल को। तो चलिए आधी बात थोड़ी पीछे कर लिए, अब थोड़ा चलते हैं यहाँ पर भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ के व्यापारियों से। सत श्री अकाल जी, क्या करते हैं? यही दुकान है आपकी? हाँ जी, हाँ जी, यही लोकल है। हाँ जी लोकल है। आपने तो मुझे लगता है जिता दिया झाड़ू को। लगता है जीत गया झाड़ू। सिद्धू जी का क्या सीन है? देखो सिद्धू की भी बराबर की टक्कर है दोनों की, सिद्धू जी की भी और मजीठिया भी की भी और झाड़ू। तो कौन लगता है मजीठिया में और सिद्धू में कौन जीतेगा? 50-50 है, अभी कुछ कह नहीं सकते। तीसरे नंबर पे। तीसरे? दूसरे पे कौन आ गया? दूसरे पे कोई आएगा, आप पहले नंबर पे। इतना पिछड़ गए मजीठिया? तीसरे नहीं कह रहे हैं? नहीं कंपटीशन बहुत ज्यादा है जी, वो जीत हार सिर्फ सैकड़ों में होगी। बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है वो, टफ कंपटीशन हुआ आपके कॉन्स्टिट्यूएंट। ये तो सेंटर है, वैसे ईस्ट में वो खड़े हैं, ये सेंट्रल का पड़ता है। ये तो यहाँ पे कोई इस तरह डेवलपमेंट काम नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ। रोजगार का वो सारे हिंदुस्तान में यही हाल है। एक तो कोरोना ने मारा है, वैसे भी कारोबार नहीं है। तो ये तो एक मतलब है सारा सरकार बनेगी तो आपको जिता। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं सरकार ही आनी चाहिए तभी कुछ ना कुछ। यहाँ तो सेंटर में अजय कुमार आएगा, सेंटर में अजय कुमार पार्टी के, आम आदमी पार्टी के। क्या लगता है इस बार आम आदमी पिछली बार 20 सीटें जीती थी, इस बार कितनी जीतेगी? 70-80 नाराज है, कारोबारी तो नाराज ही है। तो भैया देख सकते हैं यहाँ हॉल गेट में मौजूद है कारोबारी, यहाँ से नाराज दिख रहे हैं। आइए यहाँ पर एक और दुकान दिखिए, इसमें सरदार जी बैठे हुए, जरा इनसे बात करते हैं। सरदार जी सत श्री अकाल, क्या करते हैं? रेडी लोने। अच्छा जी, यही के लोकल ही है? लोकल ही। काम हुआ है पिछले 5 सालों में? ओ 5-6 सालों इन्हां ने मुड़ के इलेक्शनां दे चुनाव आन के प्रचार करदे आ, बाद च मुड़ के कोई नहीं नजर आउंदा। जिहड़ा भावें BJP या कांग्रेस है, जिहड़ा मर्जी भी है, कोई नहीं कम करदा कोई किसे दा। तब क्या लगता है फिर बदलाव की जरूरत है? देखो आपे दुनिया जनता ने बदलाव कर देना वा, आपे बदलाव हो ही जाना वा। जिहड़ा कम किसे दा विकास कोई करेगा ते तद ही उन्हां नूं वोट पाउणा किसे ने, जिहड़ा ना करेगा उन्होंने दुनिया जनता ने आपे चुक के परे कर देने। और अगर केजरीवाल जी भी कुछ नहीं कर पाए, खाली वादे करके भाग गए तो? वो तो अभी नवे आए हैं ना, पता चलेगा करेंगे काम तो। फिर उसके बाद फिर उनको भी निकाल पे काम अच्छा करेंगे तो फिर उसको ही सारे पहले पाएंगे वोट। जो अच्छा काम करेगा उसको वोट पड़ेगा। आपके हॉल गेट के कारोबारी काफी नाराज है चन्नी साहब से, सब केजरीवाल नाराज, किसी का साथ नहीं है, सबके साथ ठीक है, जो काम करेगा उसको वोट पाते हैं। मौका नए को मिलना चाहिए। हाँ मौका तो मिलना चाहिए नवे बंदे को। चलिए जी, शुक्रिया बात करने के लिए। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ कारोबारी मार्केट में थे, इससे पहले कपड़ा बाजार में गए, काफ़ी बढ़िया जो है यहाँ का माहौल दिख रहा है पूरे पंजाब का। और अब देखना ये होगा कि आखिरकार 20 तारीख को यहाँ पर मतदान होने हैं, तो इस बार यहाँ की जनता किसके लिए अपना बटन दबाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, कैमरा पर्सन आरुषि के साथ मैं फरक इरफान, चैनल हाउ इंडी के लिए अमृतसर के हॉल गेट से।